الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 20 मार्च है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौजूआत हैं। सुप्रीम कोर्ट में शरीयत तरमीमी कानून पर 200 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इस पर गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा। इस सिलसिले की तमाम तफ़सीलात आज की दूरबीन में देखिए। मारूफ वकील फुज़ैल अहमद अय्यूबी ने माहिर कानून सलमान खुर्शीद के साथ कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। अपनी पिटीशन में मशावरत ने किस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, तफसीलात में देखिए। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इंतखाबी मंशूर की मंजूरी का इख्तियार सौंप दिया है। मंशूर न्याय यात्रा पत्र के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसमें 5 तरह के न्याय यानी इंसाफ और 25 जमानतें होंगी, जिसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। स्मृति ईरानी के हलके का एक गांव सड़क न बनने से नाराज हो गया है और इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान कर दिया गया है। उस गांव के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया गया है। मामले की पूरी तफसील और दिलचस्प मालूमात के साथ जरूर देखिए। मंगल को दिल्ली शराब पॉलिसी केस की समाअत करते हुए अदालत ने मनीष सिसोदिया के अदालती तहवील में 6 अप्रैल तक तौसी कर दी है। दूसरी जानिब इस मामले में गिरफ्तारी आम आदमी लीडर संजय सिंह ने दूसरी बार राज्यसभा रुकने के तौर पर हल्फ लिया है। रफा की जारहाना कार्रवाई आधे गजा को फाका कशी की तरफ ढकेल सकती है। IPC की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गजा की आबादी के तकरीबन 1/3 शदीद गजाई किल्लत और भूखमरी का शिकार है। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आज की दूरबीन में जरूर देखिए। गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की तरसील में इजाफे को लेकर कतर की सालिसी में जंगबंदी के लिए बातचीत का दौर खत्म हो गया है। बातचीत के बाद कतर जंगबंदी से मुतालिक मुहतार ताहम पर उम्मीद है। पाक अफगानिस्तान सरहद पर लड़ाई रोक दी गई है। तालिबान हुकूमत के एक तर्जमान ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा है कि दोनों पड़ोसी ममालिक के माबैन सरहद पर होने वाली लड़ाई अब रुक गई है। दोनों ममालिक के माबैन गुज़िश्ता रोज़ अफगान और पाकिस्तान फिजाई हमले के बाद हालात कशीदा हो गए थे। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लॉटरी किंग सियासी चंदा देने में सबसे आगे रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करता तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी ने सबसे ज्यादा सियासी फंडिंग वसूल की। और आज दूरबीन में देखिएगा, मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक से दुनिया को 3 बड़े खतरात का सामना क्या क्या है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CAA से मुतालिक के दाखिल अर्जियों पर 19 मार्च को समाप्त की और फिर इस मामले में मरकज की मोदी हुकूमत को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में आइंदा समाअत के लिए 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर स्टे लगाए जाने से मुतालिक अर्जी दहिंदगान का मुतालबा मंजूर नहीं किया, यानी CAA पर फिलहाल रोक लगाने से अदालत उज़्मा ने इनकार कर दिया है। काबिल जिक्र है कि CAA को लेकर मजमूई तौर पर 337 अर्जियां दाखिल की गई हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BJ पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज समाअत की और दोनों फरीकैन की दलाइल सुनी। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जियों और दरखास्तों का जवाब देने के लिए अदालत से वक्त तलब किया। उन्होंने कहा है कि 337 अर्जियां हैं और स्टे के लिए 20 दरखास्तें हैं, जवाब देने के लिए मुझे वक्त चाहिए। इस पर जस्टिस ने सवाल किया है कि क्या आप
दो हफ्ते में जवाब दे सकते हैं। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि 4 हफ्ते का वक्त ठीक रहेगा। फिर बेंच ने हुकूमत को जवाब दाखिल के लिए 8 अप्रैल तक का वक्त दिया। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्लियामेंट से CAA पास हुए 4 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद इसे नाफिज किया गया है। एक बार किसी को शहरियत दी गई तो उसे वापस लेना मुश्किल होगा, इसीलिए अभी रोक लगाई जाए। अर्जी दहिंदगान की तरफ से पेश हुए वकील इंद्राज जी सिंह ने भी कहा है कि हुकूमत को जवाब दाखिल के लिए वक्त मिल गया है और फिलहाल शहरियत देने पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार किया और कहा कि मामले की समाअत 9 अप्रैल को की जाएगी। जवाब में एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर इस दौरान किसी को शहरियत मिली तो हम दोबारा अदालत आएंगे। एडवोकेट निजाम पाशा ने भी समाअत के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि CAA की वजह से मुसलमान की शहरियत पर भी खतरा है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये NRC नहीं है, पहले भी लोगों को गुमराह करके उकसाया गया था और ऐसा करना गलत है। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि दोनों फरीकैन 5-5 सफात पर मबनी मुख्तसर नोट तहरीरी शक्ल में जमा करवाए। 9 अप्रैल को आइंदा समाअत में इस मामले को देखा जाएगा। मारूफ वकील फुजैल अहमद अयूबी ने सीनियर और माहिर कानून सलमान खुर्शीद के साथ मुशावरत के बाद एक पिटिशन कोर्ट में दाखिल की है। वकील ने अपनी दरखास्त में कहा है कि अर्जी गुजार ने शहरियत यानी तरमीमी एक्ट 2019 की दफात को चैलेंज करते हुए पिटिशन दायर की है, जो शहरियों के एक तबके को रजिस्ट्रेशन के जरिए अहल होने से रोकती है। मुशावरत ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुल्क में खा वह मजहबी मामला हो, सियासी मामला हो या उसकी कोई और शक्ल हो, भारत में वो पनाह हासिल करने वालों का एक अहम मसला रहा है। अपनी पिटिशन में मुशावरत ने इस बात पर तवज्जो दिलाई है कि मजहब की बुनियाद पर शहरियत फराहम करने की पहली कोशिश 2004 में की गई थी, जब वज़ारत दाखिला ने शहरियत कानून बनाया था, जो तरमीम 1965 और 1971 की हिंद पाक जंगजुओं की वजह से बेघर होने वाले उन पाकिस्तानी हिंदुओं को शहरियत देना थी जो पाकिस्तान में घर थे और भारत में रहने के लिए काफ़ी वक्त से कोशा थे। ताहम ये तरमीम शुरू में 1 साल की मुद्दत तक महदूद थी और बाद में इसे 2 साल और फिर 3 साल तक बढ़ा दिया गया था। इसको रियासत गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में जहां अकलियत से ताल्लुक रखने वाले पनाह गुजीनियों के शनाख्त शुदा कैंप मौजूद थे और जहां पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी होने वाले जुल्म सितम से तंग आकर हिजरत करने पर ये लोग मजबूर हुए थे, इसे इलाकों में मौजूद उन पनाह गुजीनियों को शामिल किया गया। अपने पिटिशन में मुशावरत ने इस बात पर जोर दिया है कि हो सकता है कि इससे सियासी जमात को फौरी फायदा हासिल हो जाए, मगर यह मुल्क के लिए एक खतरा भी है और यह कानून की हुक्मरानी और उसूलों के तहत चलने वाले किसी भी निजाम के खिलाफ है। मुशावरती दरखास्त में दरखास्त की गई है कि मजहबी जुल्म सितम से निमटने की आड़ में मजहब की बुनियाद शहरियत देने की इस कोशिश को रोका जाना चाहिए। हुकूमत की उजलत और हकीकत को जाहिर करती है कि शहरी तरमीमी कानून यानी 2019 की तरमीमी मजहबी बुनियाद पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश है। कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली में मंगल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इख्तियार दिया कि वो लोकसभा इंतखाबात के लिए मंशूर को मंजूर करे और इसकी रिलीज की तारीख तय करे। पार्टी का कहना है कि यह महज इंतखाबी मंशूर नहीं होगा बल्कि न्याय पत्र यानी इंसाफ का दस्तावेज होगा और वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मंशूर के मसौदे पर तफसीली बहस हुई, जिसे साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की सरबराही वाली कमेटी ने तैयार किया। कांग्रेस के मुताबिक इसका मंशूर पार्टी के 5 न्याय इंसाफ के उसूलों पर भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, अश्रमिक न्याय और युवा न्याय पर मबनी होगा। इनमें 25 जमानतें होंगे, जिनका ऐलान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। इजलास के बाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल ने परेश को बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के मंशूर पर तफसीली बातचीत की। ये बहस तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रही। बहस के बाद कांग्रेस सदर को इख्तियार दिया गया था कि वो मंशूर को मंजूर करे और उसकी रिहाई की तारीख मुकर्रर करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी की जमानतों को जमीनी सतह तक ले जाने का रोड मैप तैयार किया है। पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में होने वाली वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल, मंशूर कमेटी की सरबराह पी चिदम्बरम और वर्किंग कमेटी के कई दीगर अरकान ने शिरकत की। मरकजी वजीर और BJP मेंबर पार्लियामेंट स्मृति ईरानी के लोकसभा हलका अमेठी के गोरीगंज तहसील में वाक़ एक गांव में सड़क की तामीर न होने से नाराज गांव के लोगों ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के बायकॉट का ऐलान कर दिया है।
अमेठी के गोरीगंज तहसील के जामू विकास खंड के अल्पी तिवारी ग्राम लोकसभा में वाके एक गांव के लोगों ने गांव के बाहर एक बैनर लगा दिया। इस पर रोड पर वो टंगा हुआ, उसमें लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ रहनुमाओं शर्म करो, यानी लीडर शर्म करो लिखा हुआ है। इस मामले में जिला इंतजामिया का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और मसले को हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सरमैन पुरवा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश ओझा ने बताया कि गांव में आने जाने के लिए पुख्ता सड़क न होने की वजह से बहुत मुश्किल होती है और बारिश की मौसम में सूरत हाल मजीद खराब तर हो जाती है। उनका कहना था कि हालात ये हैं कि गांव के लोग अपने बच्चों की शादियां किसी और जगह करवाते हैं, यहां नहीं करवाते हैं और इस चीज़ पर करने पर वो मजबूर है। उन्होंने कहा है कि गाँव से पानी निकालने का कोई निज़ाम नहीं है, पीने के पानी का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है और जल मिशन के तहत घर तक नल का पानी फराहम करने की स्कीम भी उस गांव तक नहीं पहुंची है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी गुज़िश्ता 5 सालों से यहां से रुकने पार्लिमान है। गांव के एक और रिहायशी राम अभिलाष का कहना है कि मकामी लोग अपने नुमाइंदा से शिकायत करते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुनी, मुसलसल नजरअंदाज करते रहे। तंग आकर लोगों ने अब पूरी तरह से अपना जहन बना लिया है कि जब तक मसाइल हल नहीं होंगे वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट करेंगे। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 6 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। रावलपिंडी कोर्ट ने मंगल को दिल्ली शराब पॉलिसी केस की समाप्त करते हुए सिसोदिया की अदालती तहवील में 6 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। खसूसी जज एमएलए के नागपाल ने यह हुक्म दिया। मनीष सिसोदिया गुज़िश्ता साल से जेल में है। इससे पहले 7 मार्च को मनीष सिसोदिया के केस की समाप्त करते हुए अदालत ने उनकी अदालती तहवील में 19 मार्च तक तौसी कर दी थी। आज भी मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत में बहुत बहस की लेकिन मनीष सिसोदिया को अदालत से कोई राहत नहीं मिली और अदालत ने सिसोदिया की अदालती तहवील में 6 अप्रैल तक तौसी कर दी है। साथ ही 17 फरवरी को अदालत ने मुलजिम के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने दस्तावेजात को मैच करने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, यह अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही इस मामले में आम आदमी के राज्यसभा MP संजय सिंह को गुज़िश्ता रोज अदालत में हाजिरी से छूट मिल गई। उसके वकील ने दलील दी थी कि संजय सिंह को राहत दी जाए क्योंकि उन्हें राज्यसभा का हल्फ लेना है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा संजय सिंह ने राज्यसभा के रुकने के तौर पर हल्फ लिया। 3 दिन पहले दिल्ली के रावलपिंडी कोर्ट ने पार्लियामान में जाकर राज्यसभा के रुकने के तौर पर हल्फ लेने की उन्हें इजाजत दी थी। रावलपिंडी कोर्ट ने जेल इंतजामिया को संजय सिंह को 19 मार्च को हल्फ लेने के लिए पार्लियामान ले जाने का हुक्म दिया था। मंगल को नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को राज्यसभा के रुकने के तौर पर ओहदे का हल्फ दिलाया। गजा में गजाई किल्लत और भूखमरी की ताज़ा तरीन नतज IPC के सामने आए हैं। इस इदारे को पहली बार 2004 में सोमालिया में कहत के दौरान कायम किया गया था। इसमें अब 1 दर्जन से जायद अकवा मुतहदा की एजेंसियाँ, इमदादी ग्रुप, हुकूमतें और दीगर इदारे शामिल हैं। IPC की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अमली तौर पर हर कोई खुराक हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और ये कि 3.2 मिलियन की आबादी का तकरीबन 1/3 यानी तकरीबन 6,77,000 अफराद भूखमरी की बुलंदतरीन सतह का सामना कर रहे हैं और इसका मतलब है कि उन्हें खुराक की शदीद कमी और शदीद गजाई किल्लत का सामना है। इस आदाद शुमार में शुमार में लगभग 2,10,000 अफराद शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अब वो मई के दरमियान किसी भी वक्त शुमार में कहत का खदशा है। ऐसे इलाके को कहत का शिकार समझा जाता है जब 20% घरानों में खुराक की शदीद कमी हो, 30% बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हो और हर 10,000 अफराद कम अज कम 2 बालिग या 4 बच्चे रोजाना मर रहे हो। रिपोर्ट में कहा गया कि कहत के ऐलान की पहली और दूसरी शरायत पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात की शरह में तेजी आई है और जल्द ही इलाके की कहत की सतह तक पहुंचने का खदशा है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि अगर इसराइल घनी आबादी वाले जुनूबी शहर रफा पर मबनी अपनी जारहत को वसी करता है तो जंग गजा की निसफ आबादी यानी कि 10 लाख से जायद लोगों को तबाहकुन भूखमरी और मुमकिना तौर पर अकात का शिकार बना सकती है। शुमाली गजा खंडर में तब्दील हो चुका है। अब ये कि गजा की इंसानी तबाही का मरकज है। यहाँ बहुत से बाशिंदों ने जानवरों का चारा खाना शुरू कर दिया है। वज़ारत सेहत के मुताबिक शुमाल में गजाई किल्लत और पानी की कमी से कम 27 अफराद हलाक हो चुके हैं जिनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल हैं।
इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने जंग बंदी तक पहुंचने की कोशिश की है। मुज़ाकरात के बाद दोहा छोड़ दिया है। कतरी वज़ारत खारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने मंगल को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतरी हुक्काम मुज़ाकरात के बारे में मुहतात ताहम उम्मीद है। अंसार ने कहा है कि मोसाद के सरबरा ड्यूटियो बड़ियाना पहले ही कतर छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। कतर फरीकैन के दरमियान पैगाम पहुँचा रहा है। अंसार ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अभी इस दौर में है कि जहां ये कह सकते हैं कि हम एक मुआहदे के करीब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी कामयाबी का ऐलान करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि रफा में कोई अभी इसराइली जमीनी कार्रवाई तबाहकुन होगी और ये किसी भी बातचीत को रोक सकती है। वाज़ह है कि गजा में गजाई किल्लत और भूखमरी की ताजा तरीन नतीज IPC के सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 2.3 मिलियन की आबादी के तकरीबन एक तिहाई यानी तकरीबन 6,77,000 अफराद भूखमरी की बुलंदतरीन सतह का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें खुराक की शदीद कमी और गजाई किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। इस आदाद शुमार में शुमार में लगभग 2,10,000 अफराद शामिल हैं। तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने AFP को बताया कि सूरत हाल पुरसकून है, लड़ाई रुक गई है। पीर 18 मार्च को पाकिस्तान की तरफ सलसमा अफगानिस्तान के सुबाओ पक्तिका और खूस्त सुबाओं के सरहदी इलाकों में हमले किए गए। इस्लामाबाद ने कहा है कि उसने उस अस्करी पसंदों को निशाना बनाया जो उसकी सरजमीन पर हालिया हमले के जिम्मेदार थे, लेकिन तालिबान हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली इस बमबारी में 8 शहरी जिनमें तमाम खवातीन और बच्चे शामिल थे वो मारे गए। पाकिस्तान की सरहदी जिला करम में एक सीनियर पुलिस अफसर ने AFP को बताया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मोर्टर गोलों से निशाना बनाया। अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि उसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी पोस्ट और शहरियों के 5 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा और 4 सिक्योरिटी अहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए। बयान में मजीद कहा गया कि गुज़श्ता रोज सरहद पर खामोशी रही और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पोजीशंस दोबारा मजबूत कर ली। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाल ही में सियासी फंड के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं, जिनमें सामने आया है कि गुज़श्ता कुछ सालों में लॉटरी किंग कहलाने वाले सेंटागो मार्टन, जिनको फ्रॉड और मबनी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम का सामना है, उनकी कंपनी ने मुल्क में सबसे ज्यादा सियासी चंदा दिया। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुमेरात को जारी की, जिनके मुताबिक मार्टन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नामी कंपनी की जानिब से 2019 से 2024 दौरान 13.68 अरब रुपये यानी 165 मिलियन डॉलर सियासी फंड की मदद में खर्च किए। ये रकम एक ऐसी फंड सिस्टम के तहत सियासी जमातों को फराहम की गई जो कि अब फाल नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स कहलाने वाले इस निजाम के तहत ड्रोनेस भारतीय सियासी जमातों को अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर बड़ी रकम फराहम कर रहे हैं। यह सिस्टम भारत की सियासी जमातों को माली ताउन देने वाले अफराद और कंपनियों का नाम पोशीदा रखने के लिए 7 साल कबल मोदी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था, जिसे 15 फरवरी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहीं इस राय का इजहार नहीं किया था कि इस निजाम के तहत की जाने वाली फंड गलत है। साथ ही अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि वो 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इस फंड सिस्टम के हवाले से तमाम मालूमात शेयर करे। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ने जब मजकूरा तफसीलात जारी की तो ये बात भी सामने आई कि सेंटागो मॉर्टन की फ्यूचर गेमिंग कंपनी की जानिब से 2019 और 2024 के दरमियान सियासी जमातों को दी जाने वाली रकूम मुल्क के दूसरे सबसे बड़े सियासी अतिया कुनिंदा की जानिब से दिए गए फंड से 40% ज्यादा थे। खबर ऐसा इदारे रॉयटर्स ने फ्यूचर गेमिंग से इस बारे में उसका मौकफ लेने के लिए राबता किया था, लेकिन उस कंपनी की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तफसीलात से यह भी पता चला है के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी ने मजमूई तौर पर मुल्क में सबसे ज्यादा सियासी फंड वसूल की, ताकि हम इस डाटा में यह बात वाज़े नहीं की गई कि किसी अतिया कुरिंदा ने किसी पार्टी को फंड दी। 59 साल मॉटर्न नौमड़ी में लॉटरी के टिकट बेचा करते थे और रॉयल इस्टेट के कारोबार के मालिक हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक उसकी सियासी हलकों में दोस्तियां हैं और सियासतदानों पर बेतहाशा रुपये खर्च करते हैं और उन्हें कीमती तहाइफ देते रहते हैं। मॉटर्न ने इस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से अपनी प्राइवेटरी मजबूत किए जाने के खिलाफ एक अपील भी दायर की थी जो कि मुस्तरद हो गई थी। चीन ने अमेरिकी कांग्रेस में टिकटॉक मुखालिफ बिल की मुखालिफत करते हुए इसे नाइंसाफी करार दे दिया है। अमेरिकी में पिछले साल कई बरसों से चीनी कंपनी की मलकियत सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा था।
मुतअद्दिदी मगरबी ममालिक में हुक्काम सियासतदानों और सिक्योरिटी स्टाफ पर अपने मोबाइल फोन्स में टिकटॉक इंस्टॉल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। टिकटॉक के हवाले से तीन सबसे बड़े साइबर खदशात कौन से हैं और टिकटॉक कंपनी इस हवाले से क्या मौकफ रखती है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि उनकी वेबसाइट सार्फिन का डेटा जमा करने का अमल इंडस्ट्री में नाफिजुल अमल प्रैक्टिस से मुसाबकत रखता है। टिकटॉक के नाकदीन का कहना है कि कंपनी बड़े पैमाने पर सार्फिन का डेटा जमा कर रही है। इससे दावे को साबित करने के लिए अक्सर जुलाई 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साइबर कंपनी इंटरनेट 02 की जानिब से शाये की गई एक रिपोर्ट में पेश की गई थी। टिकटॉक के सर्विसेज कोड पर तहकीक करने वाले महक्कीकीन का कहना है कि सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर डेटा जमा करती है। साइबर तजियाकारों का कहना है कि टिकटॉक सार्फिन की लोकेशन, डिवाइस की किस्म और उसकी डिवाइस में मजीद कौन सी एप्स मौजूद हैं इस हवाले से भी मालूमात जमा करता है। नाकदी का कहना है कि टिकटॉक शायद अभी नुकसान दा नहीं महसूस होगा, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी भी जंगी सूरत हाल में इसका इस्तेमाल एक ताकतवर हथियार के तौर पर हो सकता है। इंडिया में टिकटॉक और दीगर दर्जनों चीनी एप्स पर 2020 में पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन अमरीका की जानिब से मतवक्के पाबंदी का टिकटॉक पर ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर देखने में आया है कि अमरीका के इत्तेहाद भी उसकी फैसलों की तस्दीक करती है। ऐसा माजी में उस वक्त देखने में आया था जब अमेरिका ने चीनी कंपनी हवावे यानी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे का हिस्सा बनने से रोका था। यहाँ एक बात यह भी काबिल जिक्र है कि चीनी सार्फिन भी बरसों से अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करने में पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। फिक्र मदद की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज्तर पेशकश में यासिर अंसारी, मोहम्मद एहतशाम पुर्निया, शानजे नेमतुल्ला, मुबशिर हक रहमानी, अमीर हसन, तौसीफ रहमानी टेम्स, रहमानी टेम्स, फैयाज शहनाज खातून, नसीम अहमद नदवी और नसरुलहुदा साहिबान ने अपना कीमती तस्करा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राबता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।